वो धार वो मेरी सारी गाड़ी तबाह, ये देखो वो देखो, ये गेयर नहीं है, पिछू ए खुलिया पे, अग वो खुलिया पे। चंगे तरीके धोता कर पोचा, इन्हें मिट्टी रह वेंदी है। ठीक है सर। ओए ओए नमकीन खोता आ गया भाई। ओए ओए आए हाय आए हाय। ओए नारो 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 मेरी सोनी, ओ मेरा शहजादा, ओ मेरा शहजादा। ख्याल से खिड़की ना तोड़ देना। दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। हाँ जी, ये भी कहते मैं ईद से बीमार हूँ। ईद भी कहते अच्छी नहीं हुई। भी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। मैं तुझसे कैसे कहूँ ये बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी कुछ बेहतर हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज सुबह सुबह यहाँ पे आया हूँ क्योंकि इस घर को आज जो है ना माशाल्लाह से पेंट स्टार्ट कर रही है, और पेंट जो है वो आ चुका है अभी, और कारीगर जो है ना वो आने वाले, इधर से आएंगे सीधा क्योंकि रास्ता ही इधर से है ना उनके आने का। यार और क्या, जंगल से थोड़ी आएंगे वो, रास्ते से आएंगे। और आके ना चुप करके ना पूछेंगे ना गुछेंगे, आके ना पेंट करना शुरू कर देंगे। मैं उनको बोलूँगा भाईजान पूछ तो लो कि पेंट कहाँ से शुरू करना है। मैंने कहा पूछना क्या, हमने टोटल घर अंदर बाहर हर तरफ से पेंट कर देना है। मैंने कहा ठीक हो गया जी। तो अभी इंशाल्लाह आते हैं, पेंट शुरू होगा, आप सबको दिखाएंगे। और उसके बाद आज सुबह सुबह जो है ना वो मिट्टी की मैंने ट्राली मंगवाई है। ये देखें सामने, ये मिट्टी आई पड़ी है। तो मैंने कहा ये जो ट्राली मिट्टी की है ना, एक और भी मंगवा लेते हैं। और पूरे घर की ये साइडों में ना, ये देखें साइडें जो हैं, पूरे घर की साइडों में और पिछवाड़े में, और इधर जो है ना ये फ्रंट साइड, इसमें जो है ना मिट्टी डालते हैं क्योंकि बारिशें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और 17 डेट को मज़ीद जो है ना वो बारिश का तूफ़ान आने वाला है, तो उससे बचने के लिए मैं कहता हूँ कि एरो के अंदर जो है ना वो पानी वगैरह ना चला जाए। इस वजह से ये मिट्टी जो है ना ये सेट करवानी है। इधर जो है ना ये गुहे रखे हुए थे, इन्होंने कहा कि ये इधर रखे हैं, तो फिर जब इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो उधर फिर क्यों रखे, इन्होंने इधर रखे हुए थे। अभी ये उठा के साइड पे करवा रहे हैं, यहाँ पे फिर जो है ना वो बर्थी डाल देंगे। सुनाएं क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? चेहरे पे गु है, क्या हाल है अकरम भाई? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? हाँ जी, उन वो तो शिफ्ट नहीं हुए, उनके गुहे शिफ्ट हुए थे, वो भी अब उधर शिफ्टिंग कर रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी, मुबारक हो, नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं आप। हाँ इंशाल्लाह जब होएंगे फिर मुबारक। ये खाने पीने वाला सामान जो बनाने के लिए ये चीजें आ गई, लकड़ी शेड तो बिल्कुल ही हो गए। हाँ आप खैर, हीरो बन के कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी मैं शादी में जा रहा हूँ। अच्छा शादियों की धूम अंधार है अभी। मेरे घर में ना 4 कार्ड पड़े हुए हैं, तो एक मेरे ख्याल में 17 की है, 17 को बारिश भी बता रहे हैं, पता नहीं। माशाल्लाह जी वाइट सीमेंट जो है ना वो आ चुकी है, ले आए हो? चलो उतारो नीचे इसको, बल्कि पहले ना आप वो कुंडी खोलो, ये फिर उठा लेंगे। आप जाओ वो बुर्श लेना एक, वो ले आओ, जब तक ये ना इनको मिक्स वगैरह करते हैं। अभी जी ये हमारा सामान जो है ना ये बच गया था, टोटल चीज़ें, ये हमने न्यू लिया था लेकिन हमारे पास पुराना पड़ा था, वो लगाया है। तो अब ये सारी जो है ना वापस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक करम, आप सुनाएं? मैं भी कुछ बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह रात नींद नहीं आई, कभी किधर बैठता था कभी किधर, आपको तो पता नहीं है। मैं काम किया सुबह, मैं 6-5 बजे फिर उठ गया था। अच्छा
उस टाइम से ना मैं अभी उठी हूँ तो आप दोनों नहीं थे, ना आप थे ना जैन बेटा था। मैंने कहा सुबह सुबह कहाँ चले गए। सुबह मैं उठा तो देखा तो अभी जान सारे बर्तन जो है ना वो धो रही थी, वन टू ऑल मुकम्मल धो के। कहा था ना मैं झाड़ू भी दूंगी बर्तन भी धोंगी बाकी काम आपने करना। मैंने कहा ठीक हो गया तो अम्मी ने झाड़ू भी लगा लिया बर्तन भी धो लिया बाकी मेरा ही सब। घर की वो सारी सफाई भी हुई पड़ी है, अम्मी ने झाड़ू लगाया सुबह सुबह और सारे बर्तन भी धोए। मैं देखता रहा तो मैं आके ना अम्मी की चारपाई पे ना सुबह सो गया, लेकिन नींद तो नहीं आई। फिर ट्राली आ गई तो फिर जो है ना मिट्टी की ट्राली वो अरे पे बर्थी डालनी है ना साइडों में। हाँ गाड़ी जो है ना उसको स्टार्ट किया तो गाड़ी जो है ना वो स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी भी बंद है। अभी सोत्र को कॉल की है, वो कहता है मैं आ रहा हूँ। और इधर जो है ना हसन जानी आके ना बैठ गया, क्या कर रहे हो, गाड़ी बंद है नहीं चलती। हाँ बंद है, बुलाया है आपकी मम्मा को, आ रही है। हाँ बंद है, कहता है गाड़ी तो चला यार, क्या है क्या है। मैंने कहा नहीं चलती, मैं कैसे चलाऊं। ये खुद ऐसे आया इधर? हाँ जी खुद आया है। ओए हसन आ जाओ चलें घर। आ रहा है, पल्ली शहर से उठाओ इसको, गाड़ी में लॉक करता हूँ यहाँ पे। गाड़ी यहाँ पे लॉक करके खड़ी कर रहा हूँ रास्ते में ही, ऐसे बाइक आती है वो तो गुजरती रहेंगी। वो सोत्र आ रहा है फिर देखेगा, फिर चलते हुए तो खड़ा की है सर। भाई इसकी काफी अरसे से ना ट्यूनिंग नहीं हुई थी, सर्विस ट्यूनिंग वगैरह। आ हसन आ जाओ, हसन आ जाओ मेरे शहजादे, चलो आ जाओ। गाड़ी नहीं चलती, आ जाओ। नहीं चलती, नहीं चल रही, काफी धक्के भी लगाए हैं फिर भी नहीं चले। अब्बू जान ने भी आके ना धक्का लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब्बू जान ना लगाओ, धक्का लगाया तो फिर उधर पुल पे बैठा हुआ था सांस कहता खत्म हुआ। मैंने कहा अब्बू जान आपको किसने कहा धक्का लगाओ। अब्बू जान ने कहा मैं ना वर्जिश कर रहा हूँ धक्का लगा के गाड़ी को। मैंने कहा ये वर्जिश आपको महंगी पड़ेगी। ओए ओए नमकीन खोता आ गया भाई, ओए आए हाय नारो 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 मेरी सोनी, ओ मेरा शहजादा, ओ मेरा शहजादा। ख्याल से खिड़की ना तोड़ देना। हाँ जी ये भी कहता मैं ईद से बीमार हूँ, ईद भी कहता है अच्छी नहीं हुई। मेरी तरह ये भी बेचारा ना सैड है। अब ये कह रहा है मैं चीज ही लेने जाता हूँ, इसको भेजो किसी के साथ। और ये हसन की हाँ सही, तो चीज ही क्यों अपने बाप के पैसे जो है ना वो जाया कर रहे हो, हैं? अपने बाबू के पैसे रोज जाया कर देते हो, कभी कुल्फी लेते हो कभी कुछ लेते हो, सारे पैसे खा जाते हो, हैं? फिर पैसे खत्म हो जाएंगे कहाँ से लेके आएंगे उसको पता बताओ है। ये बैंक से। तो बैंक खाली हो फिर है, नए पैसे होंगे। अच्छा पुत्र आपको नहीं पता ये अकाउंट कैसे वो एक वो बैंक वो पैसे होते हैं फिर वो पतन दबाओ फिर वो पैसे निकल जाते हैं। ओह तेरे सदके थी मैं, वो आ गया कहते हैं। अच्छा नाना आ गया, ए सवेरे दे वदन बासी में निक में सिर दर्द यार। चलो माशाल्लाह मेरे आंगो थी ना भाई, तेरे सिर दर्द आ हुन मेरे आ गए। सही है, गोली सवेरे सबक लो गेंते खा गया। सही है, केड़े तैयारियां ने, कहीं भी नहीं जा रहे। मैं गाड़ी स्टार्ट करके सामान जो वापस करना था ना वो वापस करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मैकेनिक को बुलाया वो आ रहा है। क्या खड़े खड़े खराब हो गई इसकी ना, काफी अरसे से ना वो ट्यूनिंग वगैरह नहीं हुई थी इस वजह से शायद। गाड़ी एक हमारे पास, वो भी खराब हो जाए फिर क्या करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, पेट होना जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मौलवी साहब। मुबारक। कैसे इतना चमक जाएगा ना, न्यू घर, न्यू घर, क्योंकि पेंट के बगैर घर न्यू भी हो तो न्यू नहीं लगता। अगर ये ना करवाए ना, वो देखो सामने वो चूना हो रहा है खुद ब खुद से, वो कलर आ जाता है, खराब हो जाता है सारा। ये सारा देखो कलर आ रहा है इधर भी, ये टोटल जब उस तरह व्हाइट हो जाएगा ना, वो व्हाइट जैसे असलम भाई का घर था वैसे। ये उसका पता है क्यों नहीं हुआ, उसकी कुछ पुरानी ईंटें वगैरह थी और इस तरह से हमारा पूरा व्हाइट होगा क्योंकि हमारा प्लास्टर है। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जबरदस्ती जो है ना वो मुर्गे से अंडा उतरवाना चाहती है सब। हाँ, अंदर बंद कर रही हूं, ये भाग जाती है बाहर। अच्छा, वही बंद करने का मकसद क्या है असल? यार मुझे कोई मकसद नहीं है, मेरे कद्दू बीजे हुए वो खा जाती है, वो देखो वो बता। अच्छा, ये मुझे अंडे का कोई मकसद नहीं है। ओ, मेरा फोन आया तो ये दरवाजा दे के चले गए घर, एक मिनट भी कहीं का सब बार इंतजार नहीं थी ना। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह जी, पोचा लगना जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि माशाल्लाह अम्मी जान ने सुबह सुबह आप बर्तन धो रही थी, उसके बाद फिर बर्तन शर्तन सारे धोए, फिर झाड़ू लगाया था। हाँ, चाय बनाया, बर्तन धोता, किचन साफ करके झाड़ू मारा अंदरू बारू, और माँ के मैं थक गई हूँ, पोचा मारो। हाँ, बाकी ये सबा का काम सिर्फ पोचा लगाना बस। हाँ, बाकी तो सारे काम आपने कर दिए। वो यार वो तो एक चीज है, घर की सफाई में सिर्फ यही आ गया ना। हाँ, वो तो एक अलहदा काम है ना। हाँ, आप गिन के ना सुनवाओ। अच्छा, ओए होए, खाना नहीं बनाते यार हम तो सुबह सुबह बना लिए ना, जब जब खाएंगे बनाएंगे, अभी मूड ही नहीं है। चलो मिठाई खा लो, चमकदाम दे, चमकदाम दे, मार मार, पक्खा चला खड़ा है हम, आज धूप भी क्या नहीं। हाँ, कल 16 है, 17 तारीख को फिर जोरदार बारिशें शुरू है, बड़ा तूफान वाले। बैटरी चलाई है सोलर? नहीं नहीं, कैसे चलाऊं, वो धूप ही नहीं है यार। अच्छा खासा करंट आता है। अच्छा, ओए यार मिठाई में पानी डाल दिया। अच्छा कोई नहीं, बच गई, खैर एक साइड पे थोड़ी सी खैर है, खैर इधर नहीं लगी, वो तो बच्चा है उसको क्या पता। उसने कहा पानी मिक्स करके काम, चंगे तरीके धोता कर, पोचा ही ना मिट्टी रह वेंदी है। ठीक है सर, मैं आज उठा बदाल में तेरी तबीयत सेट करे ना, मैं बीमार था और मैं कोशिश कितनी बदा ठीक थी मन दी, मेरे को पास दर्द है या बहुत ज्यादा। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ते को मजीद जड़ा ना शिफाए कामला अता फरमावे। तेरा वत किया काम है, वो घर ही बह गया करो, जरी बाले को टाइम दिता करो, बाले को टाइम दियो, घर प्यार मोहब्बत करो, घर बहो ना या कब बाहर फिरे करो, खत्म लग दो। मैं तो हफ्ता थी के घर बैठा, बीमार थे घर है री, और तू छू यार कोई इवें जो टंगी में नहीं, कोई अक्कल की तगर बाह तुड़े से होंगी। अम्मा दा बाद जदा दा अम्मा आई है, हुक्का दे ते गई है अम्मा दा, हुण माशाल्लाह हुक्के हुक्का जो है ना ये अम्मी जान फर्स्ट टाइम पी रही है, पहले जमाने फिर उसके बाद ख़त्म हो गई थी, फिर माशाल्लाह से अभी जो है ना वो जो अल्ताफ़ भाई वाले आए थे ना, तो उनकी अम्मी जान जो है ना माशाल्लाह से हुक्का पीती थी। ये ख़ासकर हुक्का नशा नहीं होता क्योंकि ये फिल्टर होके आता है ना, ये होता है सिर्फ पेट वगैरह जो बूढ़े लोग होते हैं ना तो उनका मतलब जो ज़यीफ़ है उनका ना ज़्यादातर ना गैस का मसला रहता है, कुछ खाना पीना खाते हैं ना तो हाजमा नहीं होता, तो ये जो हुक्का होता है ना ये हाजमा कर देता है, तो इस वजह से अम्मी जान ने कहा जब से पीने लगी हूँ ना तीसरा चौथा दिन है तो मुझे बीमारी भी ख़त्म हो गई है। वाह जी, बीमारी पता नहीं है। हाँ, सिर्फ गैस मठा थी के दर्द का गोली का दे तेरा पे सर का दर्द नहीं गया अब पे तक भी। अच्छा, तो हाँ मांदा हो गया रात उल्टे नहीं आई, तो वो भैंस लुतरा है उल्टे वगैरह नहीं आई, मैं तो हालात
मुझे भी उल्टियाँ नहीं आती ऐसे खाली, मतलब रूह इरादा होता है उल्टियों का, ऐसे खाली जो है ना वो बत्ते आते हैं, बाकी उल्टी जो है ना वो नहीं आती। तू अपना काम कर, समझ आइए, सारे काम में दखल अंदाजी ना दी करे, सारी माँ पोत्र का मामला है, समझ आई, देसे दे बात कुटी से पर ते को हम घर वांटू वाला एडे वाले ही भाईयो दिन का भाईयो दिन के काम आओ काम कानी की जाया घर वांटू ए नहीं करे ने कहीं ने काम तो वान आख्या एम भी घर बैठे करो काना बाल वाला एडे वाले बे दे घर यार केड़ा मिस्त्री ओ मिस्त्री आ रहे हैं दो, एक इलेक्ट्रिशियन एक मैकेनिक। सब्जी और कार तो गिनर वैसे 200 की सब्जी, 1000 का पेट्रोल। यार आपको कौन सियाना कहेगा, मैं तो नहीं जा रहा, जा रहा? सामान नहीं, वापस नहीं करना। सामान जो वापस करना है ना वो मैंने कल करना है, आज थोड़ी करना है। अच्छा, वो सामान मैं सिर्फ गाड़ी में रख रहा था कि उधर पेंट वगैरह ना उसको लग जाए, फिर गाड़ी इधर खड़ी कर दूंगा, फिर कल परसों कल जाऊं या परसों जाऊं देखेंगे। पता है गाड़ी आज बनती है नहीं बनती, वर्कशॉप चली जाएगी गाड़ी। हाँ सब्जियां शब्जियां घिनो घर बनो कहना भला आज भाइयों दिन दे घर बढ़ गया, उसको बोला भी है कि घर जाओ फिर इधर बढ़ गया। कैसा लगा हमारा मजाक, क्यों तेरे को आके हम घर बन वाला इडे बढ़ गए भाइयों दिन दे घर भला हूँ गया उत्थू भला हूँ कढ़ियम भला हूँ वेना पे घर आखिर गाड़ी स्टार्ट करो सब्जी लेने जाने। मैंने कहा 200 की सब्जी 1000 का पेट्रोल कौन तक सियाना आखसी, चलो जुड़ वाला मोटरसाइकिल ते मैनू काम चेक कर पियो दे उमर के डेली वेन ना रल्या था। जेड़ा वेन आपे उने ना रल्या वने एक ही इत्थू दा असूल है, जेड़ा वने उने ना रल्या गया, किसी का कोई पर्सनल काम भी होता है ना रल्या गया इनसे पर्सनल भी क्या नहीं देता जगह तो मर्जी है सी तुम्हारी, पानी जाया ना किता कर ए ना मारिया कर इतनी पानी हूँ फर्श साफ है बिल्कुल पानी ना मारी हूँ ज्यादा सुनी फर्श साफ है ज्यादा पानी नहीं मारना, ज्यादा पानी उधर भी ना डाला कर वो फुल हो जाएगा। जूती भी पहन लिया करो कोई गंदी सी, ऐसे खाली पैर उधर वॉशरूम धो रही हो आप, कौन आपको सियाना कहेगा, कौन आपको सियाना कहेगा। जरासीम हो जाते हैं, मेरी बात आपको बुरी लगेगी, यही जरासीम तो मुझे हुए मच्छरू ने काटा है। मर्जी है मैं तो सही बात करता हूँ जी। झाड़ू मैं तो कुडेवा झाड़ू, आप तेरे हाथ है उठा ले झाड़ू, बिन बे नौकर रखू झाड़ू वाले, दिमाग का इलाज करा कुछ। मैं जब ठीक हो जाऊंगा आपके लिए अच्छी सी जो है ना इंशाल्लाह बाजी लेके आऊंगा। हाँ टेंशन ना ले, जब ठीक हो जाओगे अभी क्या है, मेरी नजरों में 4-5 है मैं ले आऊंगा। और जो मतलब जो आपको फिर पसंद आएंगी ना वो वाली आपने रख लेनी है, ठीक है, आप खुद ढूंढोगे। चलो ठीक है, चलें जी, ये जी मैं जो ढूंढूंगा वो नहीं रखेगी, फिर आप खुद ही ढूंढ लो ठीक है, कहीं देख लो उसके बाद रख लो, कोई मसला नहीं है। ओके हो गया, बाकी उसके साथ बातचीत मैं करूंगा सैलरी के हवाले से, जो जो काम है सारा उसको समझा, क्योंकि आप ना सही तरीके से नहीं गाइड करते, ठीक है। अच्छा, मतलब आप काम अधूरा मधूरा, मैं सारी चीजें ना क्लियर बताता होता हूँ ताकि कल को कोई मसला मसाइल ना हो। जी जी ठीक हो गया, चलें ओके हो गया, भूख लग रही है तो भिंडियां मेरे जो रात बनाई थी। अच्छा मजे की बात बताऊं, रात मुझे ना 6 रोटियों की लग गई भूख, रात के 8 बजे मंगवाई हमने भिंडियां, 9 बजे तक खाना रेडी हुआ, जब मेरे आगे रखा मैंने आधी रोटी जो है ना वो खाई, उसके बाद मुझे उल्टियां शुरू हो गई, फिर मैंने खाना छोड़ दिया, अभी तक फिर रहा हूँ, कोई हालात नहीं। सिर्फ ना मुझे जूस रू दे रहा है वो भी मैंगो वाला, वो पी रहा हूँ बस, आज तीसरा चौथा दिन है। हसन अम्मी बिल्कुल सही है, अम्मी जान बिल्कुल सही है, कुरौड़ा जट्टा ले
मैं कहता हूँ इसकी तो छिलड़ी छिल के इसको काट के खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ। हाँ मेरा दिल आ दे मैं खावा, ये मीठा बहुत होता है ना। हसन 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 अभी जो है ना अम्मी जान काटना शुरू कर रही है और इंशाअल्लाह ताला काट के ना बना के देखते हैं अगर इसमें कोई स्मेल वगैरह। पहले थोड़ा सा अम्मी जान चख लेना, ज़्यादा मेहनत ना करो, थोड़ा सा चख लो, अगर सही है टेस्ट ठीक है, अगर वो आती है तो फिर नहीं खाएंगे। अभी जो है मैं पहुंच गया हूँ जी घर और माशाल्लाह से ये फिर से वो हो गया, ये कुछ चाहता को यार शहूर दा कर ये इवें लड़क वे ने बाल वे मेरी कुलू। वालेकुम सलाम, दूध के पैसे, वो पिछले हफ्ते जो दूध लिया था वो खत्म हो गया यार, पिछले हफ्ते दूध लिया वो खत्म हो गया, हर टाइम खत्म हो जाता है। चाय जो पीते हैं ना पिए करें उनको तो हफ्ते का दूध ना पिया हा। थोड़ा सा प्याज सही है। अभी वो चाय मांग रहे हैं, वो जो कलर कर रहे हैं पूरे घर को सफेद वाला, व्हाइट सीमेंट लगा रहे हैं। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। मैं तुझसे कैसे कहूँ ये बता कि तू मुझे क्यों नहीं याद करती हो। यार करती हूँ क्यों नहीं करती, आप किस बात किसको याद करूंगी बताओ। जल्दी सोफे सेट कर जल्दी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, जो मैंने अम्मी जान को बोले थे ना, अम्मी जान बिल्कुल सही है ना, बोशो तक नहीं बिल्कुल ओके है, मीठे हैं ना। हाँ मीठे भी हैं। अच्छा बहुत अच्छा। यही तीन डलियां थी क्या? हाँ तीन, अब्बू खा था ते दो मैं खा था, बाकी तीन बचे। सही है, अभी खानी है आपने? नहीं मैंने खानी है। अच्छा चलें जी, अभी जो है ना मैं मीठे का स्वाद लेता हूँ क्योंकि ये वाली जो है ना बहुत ज़्यादा मीठी है। हम इसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं सरदा गर्मा, ठीक है जी। ये वाला खरबूजे से ज़्यादा मीठा होता है, ये खरबूजे का पता नहीं होता फीका है या मीठा। जैसे बंदा शादी करता है ना उसको पता नहीं होता उसकी वाइफ अच्छी निकलेगी या बुरी, ऐसे ही खरबूजे का पता नहीं होता मीठा निकलेगा या खट्टा। हाँ अच्छा जज सालन नहीं पका था वो रोटी में पका हूँ, वो देवी ताई में होती है ना, पहले तो नहीं पता होता था। हाँ। अच्छी है कैसी है। हाँ। वो तो बाद में पता लगता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी। हाँ। बात है। हाँ अल्लाह पाक का खास करम है, चले मेरे वाली अच्छी निकली। वरना कई बेचारे मेरे ऐसे भाई रो रहे हैं कहते यार हमारे वाली अच्छी नहीं निकली, हम पे जुल्म करती हैं। अल्लाह करे उनको भी इस तरह की बीवी मिल जाए। अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसी लेडीज को जो मर्दों को तंग करती हैं। अच्छा। हाँ। और जो मर्द उनको तंग करते हैं वो उनको भी अल्लाह पाक हिदायत दे। हाँ मर्द का हक होता है, अम्मी इतने हक भी ना रखे। तंग मर्द जितने तंग करता है ना बीवी का गुनाह अदा करते हैं। अच्छा। गुनाह कम होते हैं। हाँ, कम होता है वो बर्दाश्त अगर कर ना देता। हाँ। मर्द जैसे मर्द बात करे और बेगम भी वैसे बातें सुनाए फिर। हाँ, तो काम खराब है ना, कोई फायदा नहीं ना। हाँ। अम्मी इस औरत को अपना बोलने का हक है, वो अपने उसके लिए बोल सकती है। हाँ, नहीं नहीं हस्बैंड यार बेगम जो है ना आप मिसाल के तौर पे जो कुछ भी हो ना अगर वो बर्दाश्त कर गई ना तो समझ लो उसने जन्नत कमा दी। ये जिंदगी वैसे देखें फानी है, हर बंदे ने मर जाना है। यहाँ पे तो मुस्तकिल रहना है हमने अगले जहान, वहाँ पे मौत नहीं है, उतर जिंदगी जिंदगी है, वहाँ पे मौत है ही नहीं अगले जहान। अच्छा। तो हम क्यों ना उस जहान की तैयारी करें इस जहान को छोड़ के, क्यों हम ऐसे लड़ाइयां करें, किसी को बुरा भला बोलें, किसी को गालियां गलोच करें, रात दिन जो है वो किसी के खिलाफ बातें करें, क्यों करें जब ये दुनिया जान है ही फानी, जब हिसाब किताब होना ही अगले जहान है, तो फिर क्या फायदा यहाँ पे बातें करने का, यहाँ पे
गंदे लफाज मुंह से निकालने का कोई फायदा नहीं मर्द में बात घाटा लाना सही बात बर्दाश्त करे ना बेवी ना वो तो सीधे जन्नत जाएगी हाँ जी इंशाल्लाह ताला आज दवाई खाई है आपने खाऊंगा कुछ खाऊंगा तो खाऊंगा ना खा रहे हो ना इसके बाद दवाई खाओ अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह से सोत्र जो है ना वो आ चुका है अस्सलाम वालेकुम सही सरदार मुन्ने चुन्ने को उठा लिया हाँ मुन्नो जान है गाड़ी जो है ना वो बना रहे हैं अभी ये देखें सारा सिस्टम बाहर खोल दिया है उसके बाद अभी जो है ना इंशाल्लाह देखेंगे पंप शंप चेक कर रहे हैं पेट्रोल जो है ना वो नहीं आ रहा मुझे कहता है पेट्रोल नहीं है मैंने कहा यार पेट्रोल मैंने डलवाया है एक महीना पहले मैंने डलवाया था यार मौलवी का ना तवील है केड़े मौलवी का वो जैसे दूध लेते हैं उसने भी पैसे मांग लिए यार पागल थे गन लोग पैसे मांग ये ना वैसे देख लेता हूँ मैं कोई मसला नहीं है हेलो हेलो आवाज कह नहीं आती पई अब मोबाइल ये साथ में है और फोन कर रहा हूँ की आवाज नहीं आ रही खाली हाथ कान पे हाथ रखा हुआ था मैंने सुनी सबा जी खाली हाथ पे कान रखा हुआ था हाथ पे कान कान पे हाथ कान पे हाथ लो लो आटा लो जेड़ा तेरा काम है तंदूर पे रोटी उतनी रोटी बनाया करो जितनी खा सको इतनी ना पकाया कर जेड़ा खुद तू हला के दिखनी यो चलो कुछ बच्चा थी गया माशाल्लाह रोटी तंदूर पे पक जाती है गैस की बचत हो जाती है और तेरी भी बचत हो जाती है पकाने की अभी अम्मी को फोन करती हूँ रोटी बना वो फिर गुहे अपने लेके आएगी यहाँ पे रखे हैं नहीं हमारी लकड़ी रखी हुई है मैं वो लेके दे दूंगी अम्मी को नहीं लकड़ियाँ क्यों इतनी जाया करती हो आप चार पांच रोटियां बनानी है यहाँ पे बना लो चुप करके शाम को तंदूरी बनाएंगे अभी वैसे दिन गर्म है उसको तंग ना करो उसको जरूरत नहीं अभी काम करने की आपकी अम्मी को अम्मी मेरी हिम्मत वाली है हिम्मत वाली है लेकिन अभी नहीं करना चाहिए उसको क्यों चलो मैं खाई आप भी भारी काम ना किया करो यार आज मेरी तबीयत ठीक है ना कुछ माशाल्लाह बेहतर है थोड़ा थोड़ा पासे में दर्द है यहाँ पे जी मुझे खब्बी सज्जी साइड है ना जो ये राइट साइड यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा पसलियों में दर्द है क्यों पता नहीं वो चेकअप करवाओ ना आपने जोर दिया होगा मैंने कब जोर दिया था तो यही में दर्द थोड़ी है यार खाने पीने की वजह से होगा ओ ओ ओ आगे में मैं क्या मैं पानी भरना है पानी भरा नहीं यार मैं तेरे वास्ते बोतल चाहिए था सुनी सुम्मा दे यार उसको सुम्मा दे अच्छा तेरे लिए स्टैंक और दूसरे के लिए नेक्स्ट कोला इस्तेमाल कर रहा हूँ और ठंडी हो रही है बोतलें उधर जाग में अच्छा मैंगो पियोगे मैंगो ले आ बेटा अरे ना भैया गरम है गरम पिएगा पेट में गड़बड़ हो जाएगी बिल्कुल गरम है मैंने अभी पी है तो पेट में गड़बड़ हो जाएगी चलो फिर नहीं एक मिनट हाँ इसको पिलाओ ये हमें बोतलें पिलाता है ना इसको पिलाओ ये लो ठंडी है अब ठीक पीसी केड़ी पीसी ए केड़ी पीसी हाँ पीसी के रही है जैसा पानी छिड़के ना पाए नहीं आटा गूंदते वक्त ना खड़ी हो जाए कर ये लुड्डी ना कर जिमें लुड्डी खड़ी है तो आटा आराम से गूंदते ना कि ऐसे लुड्डना होता है ताकत लगती है ये जी आटा गूंद रही है आटा गूंदने का स्टाइल अच्छा मेरी बात सुनो एक बोतल मेरे लिए भी मंगवा दो
क्या है मेरे लिए भी वास्ते बात कितों मंगवा रहे हो? मुझे रात से जो तकलीफ है ना अल्लाह की कसम मेरे पास सांस नहीं है। अच्छा तो बोतल की बजाय आपको थोड़े आधा आधा पौना किलो सांस ना मंगवा दो क्या ख्याल है जी? बोतल मतलब कोई लगाने वाली ड्रिप? अच्छा वो तो मेरी आ रही है ड्रिप है उसमें से आप लगवा लेना। वो मुझे फ्लेजर लगेगी उसके बगैर और कोई भी नहीं लगने वाली। अच्छा मुझे बीमारी नहीं तुझे तो सिर्फ आलस है। नहीं नहीं सुस्ती है सुस्ती आलस नहीं है। हाँ यार दस रात से इतनी तेज। अच्छा चलो कोई नहीं वो धाड़ वो मेरी सारी गाड़ी तबाह ये देखो वो देखो वे गेयर नहीं है पिछू ए खुलिया पे अगू वो खुलिया पे देखो मैं क्यों सदियम तबाह कराने वाले मैंने चलवाने के लिए बुलाया था यार। चलेगी चलेगी तबाह करवाई चलो अल्लाह खैर करे सी बनाओ बनाओ मैं जा रहा हूँ अभी देखते हैं कि पेंट जो है ना वो कितना हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहला कमरा जो है ना उसमें पहला कोर जो है ना वो लग चुका है। ये अभी गीली है ना जैसे जैसे सूखेगी इसके बाद डबल भी होगा ट्रिपल भी होगा उसके बाद बिल्कुल सफ़ेद जो है ना चमक जाएगा। पहला कमरा जो है ना ये पेंट हो चुका है अब दूसरे में जो है ना वो जारी है। सामान वगैरह जो बच्चा था बाहर निकाल दिया ताकि उसके ऊपर ना पेंट वगैरह ना गिरे खराब थी तो ये सारा वापसी करना है। किचन पे गई बात रोटी हां तो खावना क्या नहीं क्या तादी पता नहीं भूख कड्डा मरसी तादी क्या मरसी हफ्ते के हफ्ते हफ्ते के हफ्ते खाओ बस आपके लिए नकी बातें होती हैं। कौन हफ्ते के हफ्ते खाना चाहता है मुझे यार इसमें आपकी भी बचत पकाने की बजाय हफ्ते के ना डट के खा लिया करो। खुले ना हो बचत देरे खाया करे खाना यार हफ्ते के हफ्ते 10,000 की रोटी खा लिया करो बस लेकिन खाया हफ्ते के हफ्ते करो। नहीं हाय 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 चाह उबल गई है वशाला कुछ ना थी बस मेरा दिल कर रहा है मैं नहा लूं फिर ज्यादा ना एक्टिव हो जाऊंगा लेकिन बुखार आ रहा है अभी दोबारा। नहीं आ रहा तो आप जल्दी से नहा लो ना नहा के फिर टेबलेट खा लो। बुखार आ रहा है मुझे पता है ना मेरे जिस्म को पता है। अच्छा फिर ना अब दोबारा से ना बुखार शुरू हो रहा है सर में दर्द शुरू हो रहा है यहाँ पे दर्द शुरू हो रहा है पेट में दर्द शुरू हो रहा है जहाँ जहाँ आपको पता है दर्द होता है वहाँ पे शुरू हो रहा है दर्द। अच्छा ये वाली ट्रे छोटी उठा रहे हो लगवानी है ना तो फिर नहा पता है क्या करना है आप ना बड़ी ट्रे उठाओ इससे चाय का पूरा थर्मास ले जाना और जो पेंट कर रहे हैं ना कलर वो एक एक कप नहीं पिएगे वो दो दो पिएगे। हाँ समझा करो नहीं नहीं दो दो हाँ चार बंदे हूँ छः सात कप होने चाहिए थर्मास में भी छः सात कप आ जाते हैं ठीक है सबो हमने तो जब डाला है तीन या चार तो उनके दल के हां तो चौका बड़ा आया था। हां बस हां पीते रहते हैं फिर उसके बाद कोई और भी मेहमान आ जाता है इस तरह फिर आना जाना तो लगा रहता है ना अच्छा अच्छा चाह मेरे को भी चंगी रूड़े नहीं मेरे को भी पिलावी। प्यारे बहन भाइयों आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें हमें दुआ में याद रखें पाकिस्तान जिंदाबाद साहब बन भाई जिंदाबाद बाय बाय अल्लाह हाफिज़।